नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट यानी कि जोड़ बदलने के ऑपरेशन के विषय में। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि किन मरीजों में, किन व्यक्तियों में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। इसका सरल शब्दों में उल्लेख इस तरह कर सकते हैं कि पेनफुल आर्थराइटिक ज्वाइंट्स, यानी जो ज्वाइंट आर्थराइटिक हो चुके हैं, जिनमें एक लिमिट से अधिक घिसाव आ चुका है जिसकी वजह से वे ज्वाइंट्स पेनफुल हैं, उन ज्वाइंट्स को रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। आर्थराइटिस की स्टेजिंग की जाती है एक्सरे के आधार पर, और जिनमें एडवांस आर्थराइटिस हो, जो कि पेशेंट्स की रोजमर्रा की जिंदगी यानी कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में इंटरफेरेंस कर रही हो, उन पेशेंट्स में हम ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की सलाह आमतौर पे देते हैं। बात करते हैं कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में ऑपरेशन के द्वारा मरीज के जो क्षतिग्रस्त ज्वाइंट हैं या जो आर्थराइटिक ज्वाइंट हैं, उनको चेंज करके कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल मेटेलिक ज्वाइंट से रिप्लेस किया जाता है। दो मेटेलिक सर्फेसिस के बीच में एक बहुत हाई ग्रेड का प्लास्टिक, जिसको अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीएथिलीन कहते हैं, उसका स्पेसर डाला जाता है और इससे ज्वाइंट में आर्टिकुलेशन यानी मोशन बनता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए कौन से किस्म के एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसमें रीजनल स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज होता है, जिसमें पेशेंट की पीठ में एक सुई लगा के दवाई इंजेक्ट की जाती है, जिससे शरीर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है और उसी दौरान ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में, जिनमें स्पाइनल एनेस्थीसिया ना दे सकते हो या पेशेंट पूरी बेहोशी चाहता हो, तो उनमें जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद पेन रिलीफ के लिए एपिड्यूरल कैथेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक पतला सा स्टेराइल एपिड्यूरल कैथेटर कमर में छोड़ा जाता है और उससे एक इन्फ्यूजन के माध्यम से दवाई स्लो और कम डोज में इंजेक्ट करते हैं, ताकि पैरों का जो ऑपरेशन के तुरंत बाद होने वाला पेन है वह कंट्रोल हो पाए। बात करते हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान पेशेंट का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस कैसा होता है। आमतौर पर हम ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी के पेशेंट को प्लान्ड ऑपरेशन से एक दिन पहले दाखिल करते हैं, जिसमें कि पेशेंट की प्रॉपर पार्ट प्रिपरेशन की जाती है। अगले दिन सुबह के टाइम पे प्रेफरेबली पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद कुछ घंटे के लिए पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है, और जैसे ही पेशेंट पेनलेस हो, कंफर्टेबल हो, उसको उसके वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। पेन रिलीफ के लिए एपिडुरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन के अगले दिन से ही पेशेंट की अच्छी फिजियोथेरेपी शुरू की जाती है, जिसमें कि घुटने का मोड़ना, घुटने की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करना और पेशेंट को वेट बियरिंग यानी चलाना, यह शुरू कर दिया जाता है। हमें आमतौर पे यह पूछा जाता है कि इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट कितना है। तो स्टैटिस्टिकली अगर बात करें तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के 95% से अधिक ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं, जिसमें सक्सेस का मतलब है कि पेशेंट का अच्छा जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट के बाद मोर देन 90 डिग्री घुटना मोड़ना, घुटने का पेनलेस होना, इन दो क्राइटेरिया को मुख्यतः हम सक्सेस का पैरामीटर मानते हैं। 95% से अधिक पेशेंट्स 1 महीने तक पेनलेस और मोबाइल हो जाते हैं, तो ये काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन आज की डेट में माना जाता है। एक सवाल जो हमें बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि इस ऑपरेशन के बाद रिकवरी टाइम कितना है, तो मैं बताना चाहूंगा कि नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद जो रिकवरी टाइम है आमतौर पे 1 से 2 महीने है, जिसमें कि मरीज अपने पैरों पे 2 दिन बाद ही चलने फिरने लगता है, उसका पेन 2 से 4 हफ्ते में धीरे धीरे खत्म हो जाता है और 1 से 2 महीने में पेशेंट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के सारे काम कंफर्टेबली कर पाता है। बहुत से पेशेंट्स हमें आके कहते हैं कि उन्हें इस ऑपरेशन से डर लगता है और इस वजह से ये ऑपरेशन वह नहीं करा रहे, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये ऑपरेशन बहुत सेफ और बहुत सक्सेसफुल है और इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में हमारी जॉइंट रिप्लेसमेंट टीम बहुत ही अनुभवी है और अभी तक किए गए हमारे लगभग सभी जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। हमारे पास अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, सबसे लेटेस्ट मशीन्स हैं और बहुत ही आधुनिक डिज़ाइन के हम जॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जॉइंट रिप्लेसमेंट का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। तो यदि आप जोड़ों के आर्थराइटिस और से ग्रस्त हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पॉजिट्रॉन में हमारी टीम से अवश्य परामर्श करें, ताकि हम आपकी अच्छी तरीके से हेल्प कर पाएं। थैंक यू।